और इसी बीच सिविल सर्जन के तबादले के बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जो सबको हैरान कर रही है। जहां मृत सिविल सर्जन का तबादला शेखपुरा जिले में कर दिया है। आपको बता दें कि सिविल सर्जनों का तबादला किया है और इसमें एक ऐसे भी सिविल सर्जन है जिनकी मृत्यु कोरोना की वजह से इसी साल हो गई थी, उनका भी तबादला शेखपुरा कर दिया गया है, जिसके बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बिहार विधानसभा की मंगलवार की कार्यवाही के दौरान सदन में शिक्षा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, उत्पाद विभाग सहित कई दर्जन विभागों के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसका संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे। वहीं शुरू होने से पहले ही विपक्षों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। मंगलवार को बिहार बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीते दिन बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के गुस्से का निशाना बने आरजेडी एमएलसी सुबोध राय का बचाव करते हुए सीएम नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश की उम्र हो चुकी है, इसलिए उन्हें गुस्से पर काबू करना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने आए थे। इस दौरान सीएम ने आरजेडी एमएलसी के बीच में बोलने से तंग आकर उन्हें नियम कानून जानने की सलाह दी। इस पर मंगलवार को आरजेडी विधायक ने पलटवार करते हुए सीएम नीतीश पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल के ठोक देने वाले बयान पर भी चुटकी ली। इसलिए भी थोड़ा सा हम परेशान रहते हैं कि जनता ने हमें नकार दिया है, तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ये उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं भगवान से मनाता हूँ कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि गुस्सा कम करें और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को बचाए रखें। आप अपने घर में अपने छोटे बड़े को तुमताम कीजिए, लेकिन सदन सोमवार को खगड़िया जिले के चंडी टोला गांव में स्कूल की चारदीवारी गिरने से 6 लोगों की हुई मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे इस घटना से मर्माहत हैं और इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे की राशि देने का निर्देश दिया है। हाल ही में भागलपुर में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल को जमीन कब्जा करने के मामले में स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें किसी तरह लोगों के बीच से निकाला था। वहीं अब इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे बंधक बना ले। उन्होंने कहा कि उनके जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है, ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो वे हथियार का भी इस्तेमाल करेंगे। एक मार्च को बेउर जेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बेउर जेल में छापेमारी की थी। वहीं इस मामले में अब बेउर जेल के उपाधीक्षक संजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने उनके निलंबन से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र में मिठाई और समोसे को लेकर विवाद छिड़ गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि मिठाई और समोसे के पैसे को लेन देन को लेकर दुकानदार से विवाद हो गया। इस विवाद में गांव के ही 2 युवकों ने मिठाई दुकानदार के सगे भाइयों को गोली मार दी। बड़ा भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे भाई का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश जारी है। घटा सर की समोसा का मामला था, उसमें आया पैसा लेन देन के बारे में हुआ तो उस पर झगड़ा कर दिया और पैसा मांगने पर बोला कि हम आकर बता रहे तुझको, और उसी पर झगड़ा किया और गया घर पर, उधर से आया हथियार लेकर मार दिया दो लोग को गोली। इनका दुकान था और इनका घर परिवार लोग बता रहा था कि सिंगड़ा के वजह से पैसा देन लेन के लिए मारपीट हुआ है, तो जो मारे हैं उसको बाद में बोला कि हम आ रहे हैं। बेगूसराय में बेलगाम होते अपराध और बेलगाम होते अपराधी अब खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए देखे जा रहे हैं। जिले में एक वीडियो वायरल है जिसमें एक युवक खुलेआम फायरिंग कर रहा है। जानकारी के अनुसार इस वीडियो में चनेसी नामक युवक जो जिले के नया गांव थाना क्षेत्र स्थित दरियापुर में खुलेआम फायरिंग कर रहा है। मीडिया में खबरें चलने के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है।
वहीं किशनगंज में भीषण सड़क हादसे में एक बच्ची सहित तीन बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। डंपर और बाइक की सीधी टक्कर में यह हादसा हुआ है, जिसमें बाइक पर सवार तीन बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने डंपर के ड्राइवर को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना ठाकुरगंज में उस वक्त हुई जब तीनों बहनें बाइक से अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी सामने से आ रही डंपर से सीधी भिड़ंत हो गई। इस घटना में बाइक चला रहा युवक भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कटिहार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लुटेरा गिरोह के दो शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल यह दोनों अपराधी बाइक लूटने का काम करते थे और इसी बाइक से शराब की तस्करी भी करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लुटेरा गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया। हमारे रौतारा थाना अंतर्गत 20/6/20 को एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी पंचवटी चौक पर। उसी क्रम में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और उसमें हम लोग पिंका मंडल को गिरफ्तार करके जेल भी भेजे थे। इसी बीच में क्या आपको सहायक थाना अंतर्गत दिनांक 11/8/20 को एक मोटरसाइकिल मिला, जिसमें दो व्यक्ति जो दोनों अभी गिरफ्तार हैं, वो दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में बीते महीने की 16 तारीख से लापता 5 वर्षीय खुशी का पता लगाने में पुलिस नाकाम रही है। बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए परिजन और स्थानीय लोग पिछले 5 दिनों से समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन पर कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विधायक विजेंद्र चौधरी ने बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए SIT का गठन करने का आश्वासन दिया और अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। दरअसल 16 फरवरी को खुशी घर के पास खेल रही थी, इसके बाद वह लापता हो गई। मामले की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खुशी के गायब होने के बाद सभी परिजन लोग जो है सो यहाँ आमरण अनशन पर बैठे थे। SIT का गठन प्रशासन ने किया है। पहले भी CT SP साहब से बात हुई थी और कई पदाधिकारियों से बात हुई थी, तो उन लोगों ने कहा था कि हम जोर शोर से काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चोरों के आतंक से न सिर्फ आम लोग बल्कि पटना पुलिस भी परेशान है। आए दिन बंद घरों को निशाना बनाकर चोर लाखों की संपत्ति चोरी कर आसानी से फरार हो रहे हैं। ताज़ा मामला पटना के रुपसपुर इलाके का है, जहां अपराधियों ने 2 दिन से बंद एक SSB और DIG के घर डॉक्टर को घर को निशाना बनाते हुए लाखों की जेवर की चोरी कर ली। चोरी की सूचना मिलने के बाद पहुंचे पीड़ित के परिजनों ने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सुबह जब दुकान मालिक ने दुकान खोलकर साफ सफाई करने लगे, तभी दुकान में घुस कुछ अपराधियों ने बैग में रखी ज्वेलरी उठाई और भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। बेगूसराय जिले के पोखरिया में सीवरेज निर्माण के काम कर रहे मजदूर की मिट्टी के नीचे दब जाने से मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान खगड़िया जिले के निवासी रामविलास चौधरी के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि JCB मशीन से नाले की ड्रेसिंग की जा रही थी, इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और अधिक मिट्टी के अंदर दबे रहने के कारण मजदूर को निकालने में काफी वक्त लगा, जिससे उसकी मौत हो गई।